21 जनवरी 2014 को पायलट ने संभाली कमान, प्रदेश कांग्रेस की दी गई जिम्मेदारी। पीसीसी चीफ पर पायलट ने संभाली जिम्मेदारी, गुटों में बटी कांग्रेस को एकजुट करने का दिया मैसेज। युवा चेहरे से युवाओं को जोड़ने की रही कवायद। राजस्थान कांग्रेस ने विधानसभा 2013 की बड़ी चुनावी हार के बाद गहन मंथन किया। इसके बाद युवा चेहरे सचिन पायलट को कमान देने पर सहमति बनी। पायलट ने 21 विधायकों की टीम के साथ 21 जनवरी को कमान संभाली। इसके बाद लगातार संगठन में सक्रिय भी रहे। हालांकि शुरुआती दिनों में गहलोत और पायलट में दूरियां नहीं दिखी, लेकिन संगठन में जैसे जैसे पायलट पुराने होते गए, पार्टी के पुराने और दिग्गज नेता गहलोत से उनकी दूरियां बढ़ गई। इस दौरान पायलट और गहलोत ने एक दूसरे पर जुबानी तंज भी कसे। गहलोत ने एक बार तो यहां तक कह दिया था कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष होने के मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता है, तो उधर पायलट ने भी गहलोत को निशाने पर रखा और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में टॉप पर रखा। साथ ही चुनावी मंच और गाड़ी में ड्राइवर की भूमिका निभाने वाले पायलट और गहलोत के बीच टिकट बंटवारे में भी दूरियां दिखी। सियासत की जोड़ी में फिर पड़ी दरार, बयानों में तल्खी ने ली जगह और अब अदावत से संग्राम का रास्ता है चुनाव। पायलट और गहलोत की लड़ाई हुई कोरोना जैसी, जिसका अब नहीं दिखता कोई अंत। पायलट और गहलोत के इशारे के हमले विधानसभा नतीजों के बाद से कुछ मुखर हुए, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक नाम तय करना था। एक तरफ पार्टी के लिए तजुर्बे वाले नेता थे, तो वहीं दूसरी ओर युवा चेहरा वेटिंग में था। दो बार मुख्यमंत्री के सामने पायलट अपनी गाड़ी को आगे नहीं दौड़ा पाए और नतीजा उनको डिप्टी सीएम पर संतुष्ट करना पड़ा। लेकिन तब से कुर्सी की जोर आजमाइश देखी गई और बयानों की तल्खी ने जोर पकड़ा और अब खुलकर भी विरोध सामने आ रहा है। इस दौरान पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने के श्रेय की होड़ में भी बयानबाजी रही। एक बार पायलट के बयान जिसमें जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती, ये भी ये मैसेज दिया गया था कि राजस्थान की राजनीति में कुछ उलटफेर हो सकता है। लेकिन एमपी में पायलट के दोस्त ज्योतिरादित्य राय सिंधिया के कांग्रेस की सरकार को गिराकर भाजपा खेमे में जाने के बाद से ये बात जोर पकड़ने लगी है और फिर राज्यसभा के रण कुछ दूरियां बढ़ती दिखाई दी। लेकिन तब स्थितियां संभली, लेकिन चुनाव के ठीक बाद पायलट ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी। इसमें अपने साथियों के साथ बगावत का रुख अपनाया। पायलट ने रुख के बाद गहलोत ने भी अदावत को स्वीकार किया और रगड़ाई, नकारा और निकम्मा तक शब्द मीडिया में आए और अब ये अदावत संग्राम का रूप लेती दिखाई दे रही है। सियासत में अक्सर पार्टी के बीच गुटबाजी और एक दूसरे पर शब्दबाण छोड़ते देखा गया है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से गहलोत और पायलट में ठनी है, उससे लगता है कि ये लड़ाई कोरोना जैसी हो गई है, जिसका अंत कहीं नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। We'll be right back.
स्वागत है आपका, मैं हूं योगेश। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी संग्राम की, सियासत, अदावत और उसके बाद किस तरह से संग्राम का रूप लिया। कहने में बहुत बुरा लगता है और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजस्थान का नागरिक या देश का नागरिक इस तरह के अल्फाज को कहने से पहले सोचता नहीं होगा, लेकिन ये कहें कि हमारे कर्णधार जो लोकतंत्र के प्रहरी जिन्हें कहें हम, सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ये अदावत वहीं से और संग्राम भी उन्हीं के बीच में है। तो हम बात करेंगे राजस्थान का जो भी कुछ सियासी ड्रामा चल रहा है उसको लेकर, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब है, वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पीसी भंडारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ विधिवेता हैं, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरिमोहन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और जयपुर के पूर्व महापौर और भाजपा नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा, लंबा वक्त हो चुका है, 15 दिन हो ही जाएंगे कल, जिस तरह की स्थितियां बनी है राजस्थान में, बाड़ेबंदी, और पहले तो यही कहता था कि दूसरे स्टेट के लिए राजस्थान काफी फेमस था कि वहां के विधायकों को ला करके यहाँ पे बाड़ेबंदी की जाती है, इतना महफूज समझा जाता था, लेकिन अब तो हमारे अपने लोग बाड़ेबंदी में रहने लग गए, 15-15 दिन की बाड़ेबंदी। तो मुझे लगता है कि कुछ सवाल खड़े करते हैं, कोरोना से क्या स्थितियां बनी हुई हैं। 1 पेशेंट जब मिलता था तो उसके बाद धीरे आवाज में हम लोग भी बात करते थे कि फला जगह 1 पेशेंट मिला है, पूरा दायरा किस स्थिति में होता था, 500-500 पेशेंट अभी भी आ रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। और एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ हमारी सियासत की जो अदावत एंडलेस दिखाई दे रहे हैं, तो प्रदेश पे क्या गुजर रही होगी, एक आम चर्चा आपके एक जर्नलिस्ट के अप्रोच है इस सोच में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में किस मोड़ पे आके खड़े हुए हैं। तो सही बोल रहे हैं कि राजनीति, यानी राजस्थान में जो इस टाइम पर राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो यानी बहुत एक सुखदायी संदेश तो नहीं देती है, और डेफिनेटली लोकतंत्र पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रेज कर रही है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं 15 दिन हो गए, अभी तक तो यह था कि 14 दिन का सियासी क्वारंटाइन होगा, हो सकता है ऐसा था कि 14 दिन का क्वारंटाइन होता है, लेकिन वो डेट भी आगे निकल गई। अब 14+14 क्या 28 तरफ, यानी 28 दिन का जा रहा है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि केस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, चला गया है, मंडे को सुनवाई शुरू होनी है, वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन है उससे पहले जो यहां का चल रहा है, जिस तरह से एक स्पेशल असेंबली सेशन कॉल कराने के लिए जो राजभवन में जिस तरह का जो धरना कल जो देखा गया है, मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में इस तरह से कभी कोई धरना कभी स्टेज हुआ होगा कि जहां पर रामधुन भी गाई हुई होगी, जहां पर हम होंगे कामयाब भी गाया होगा। तो वो जो एक राजभवन की जो गरिमा थी वो भी एक साइडलाइन हो गई, और जिस तरह से सीएम ने जो बयान दिए कि जनता अगर आ गई राजभवन का घेराव करने तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, यानी वो भी अपने आप में एक काफी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि यानी ऐसे क्या हो चुका है कि इस तरह का क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है। तो यानी कभी मायावती ने जब स्टार्ट हुआ था इस चीज का, तब उन्होंने बोला था कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल दायर होना चाहिए, इल्लीगल टैपिंग्स हो रही है, लेकिन धीरे धीरे एक उधेड़ में यानी चाहते हुए न चाहते हुए एक ऐसी सिचुएशन इमर्ज होती जा रही है कि आगे किसी को कुछ भी नहीं पता है। यानी एक चीज जरूर आ रही है, क्या राजस्थान प्रेसिडेंट रूल की तरफ बढ़ रहा है, यानी ये भी आज एक बिल्कुल बर्निंग क्वेश्चन बन गया है कि आज हर दूसरा जो नागरिक है वो बोल रहा है कि हो क्या रहा है, कौन देख रहा है, क्या ये हम राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ चीजें जो हमसे पूछते हैं तो हम लोगों को भी नहीं समझ में आता है कि हम हाँ कहें या ना कहें लोगों को, लेकिन हाँ जो चीज है वो पिक्चराइजेशन उसका जो दिख रहा है वो बहुत पॉजिटिव मैसेज नहीं दे रहा है। गहलोत जी अपनी जगह पर खड़े हैं, गवर्नर सर अपनी जगह पर खड़े हैं, जिस तरह से कल लेटर एक्सचेंज हुए हैं वो भी काफी प्रश्न चिन्ह सामने रेज कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले जो सीएम ने एलिगेशन लगाए गवर्नर के ऊपर, गवर्नर ने उसके बाद जो लेटर भेजा उसने जो 6 पॉइंट्स जो रेज किए आज तक उसका भी जवाब अभी तक वापस पहुंचा नहीं है। उसके बाद में जो एक गुमनाम जिस तरह से वो चिट्ठी वायरल हुई है, एक जो गवर्नर के घर से जो लेटर गया है सीएम के लिए, वो भी अपने आप में बहुत बड़े, यानी आज अगर हम आसपास देखें तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स है, आंसर अभी तक दूर दूर तक किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि मंडे को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, उसके बाद कुछ चीजें क्लियर हो, तब तक तो वेट एंड वॉच की फिलॉसफी अडॉप्ट की जा सकती है। बिल्कुल, एक उस कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि एक रास्ता सूझ सकता है, तब तक जो हमारे माननीय है वो भी कुछ सोच सकते हैं कि हमें इस रास्ते से बाहर निकलना चाहिए। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, ये एक अदावत ऐसी मोड़ पे आकर के इस देश प्रदेश की राजनीति को खड़ा कर दिया है
जिसमें अभी फिलहाल हमें ये नहीं दिख रहा कि किस मोड से कैसे गाड़ी टर्न होगी, कौन पीछे हटेगा। एक नई बात और आती है यहाँ पे, एक तरफ कहा जाता है कि अल्पमत में है सरकार, लेकिन अगले पली गहलोत गुट विरोधी या कहें कि विपक्ष के लोग वो ये कहते हैं कि नहीं, आवश्यकता ही नहीं है आपको फ्लोर टेस्ट कराने की। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जैसे अर्चना जी ने भी जिक्र किया, राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ तो नहीं रहे, ये भी मांग की जाती है कि नहीं हमने कोई राष्ट्रपति शासन की डिमांड नहीं की है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि कहीं कुछ जा रही हैं, दिखाई कुछ और दे रही हैं, इससे कैसे देखा जाए कि वास्तव में अगर कोई डर नहीं है कि मेजोरिटी है तो फिर गहलोत जी क्यों बाड़ेबंदी करके बैठे हुए, सचिन पायलट वापस क्यों नहीं लौट रहे। देखिए योगेंद्र जी, राजनीतिक परिपेक्ष में जो कुछ घटित हो रहा है वो दिख कुछ रहा है, होना कुछ है, क्योंकि आज देखिएगा जिस तरह से अशोक गहलोत ने पांचवी विधायक दल की बैठक होटल में की और वहां पर स्पष्ट कहा कि हमारे पास बहुमत है, उसके बावजूद हमारे राज्यपाल हमको सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान नहीं कर रहे। कैबिनेट ने प्रस्ताव भेजा, उसको 6 क्वेरीज के साथ वापस भेज दिया। अब कैबिनेट ने फिर बातचीत की है क्या, लेकिन स्पेसिक यही हो रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि वो कहें कि मैं सरकार का बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुलाना चाहता हूं। तो फिर कानूनी पेचीदगियों में ये प्रस्ताव अटकेगा और राज्यपाल मेरे को लगता है कि किसी भी कीमत पर अभी विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति नहीं देंगे। नहीं देंगे तो अब स्थिति फिर विपरीत हो जाएगी। लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल और होगा श्याम जी, इसी से जुड़ा एक सवाल और है। हालांकि सितंबर उसकी डेट आती है, 6 महीने में एक बार हाउस कॉल करना बहुत जरूरी होता है रूल्स के अकॉर्डिंग भी, तो वो जो एक मर्यादा कहें कि वो जो पेचीदगी है उसे तो दूर करने के लिए खुद को आगे होके गवर्नर को पहल करनी होगी। 6 मंथ में आपको एक बार हाउस कॉल करना है। देखिए योगेंद्र जी, क्या पता जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्या स्थिति बनेगी, अभी कुछ कह रहे कि गवर्नर को जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है आपको सीधे तौर पर, वैधानिक संकट किसके सामने खड़ा होता है, अशोक गहलोत के सामने खड़ा होगा, अशोक गहलोत को पहल करना होगा, क्योंकि अभी तो 4.5 महीने हुए, 1.5 महीना बाकी है। अगर आपको जनरल असेंबली बुलानी है तो आप तरीके से आइएगा, कोरोना की स्थिति चल रही है ना, तो अभी राज्यसभा शुरू हो पाई है ना लोकसभा शुरू हो पाई है, जब राष्ट्रपति ने उन सदनों को शुरू करने की बात ही नहीं की है तो राजस्थान में सदन का सत्र बुला के आखिर करना क्या चाहते हैं, तो करीज पूछेगा, पर राज्यपाल को अधिकार है कि बताएं स्पेसिफिक कि आप करना क्या चाहते हो सत्र बुलाने के लिए, क्योंकि वैधानिकता ये कहलाती है। आपको क्या लग रहा है सर, ये बाड़ेबंदी और जो एक दूसरे की जो मेजबानी हो रही है ये कब तक चलती रहेगी? देखिए हाईकोर्ट में कल बीएसपी के विधायकों की सुनवाई, बीएसपी का जो मदन दिलावर ने भाजपा ने दायर कर रखा है मामला, याचिका दायर की थी, उसकी सुनवाई शुरू। हाँ मंडे को शुरू होगा, तो आप बता दीजिए कि जब मंडे को शुरू होगा तो फिर क्या स्थिति बनेगी। ये एक नई चीज सामने आएगी तो आप देखेगा कि तो फिर कह रहे हैं यहाँ पर और वहां पर सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो ये दोनों पेचीदगियां हैं, तो विसत्र अनुमति राज्यपाल देंगे कैसे, वो कानूनी कहेंगे कि दोनों जगह मामला विचाराधीन है और इस तरह का, क्योंकि बीएसपी का विलय को लेकर चुनौती दे रखी है तो 6 ही कम हो जाते तो फिर संकट खड़ा हो जाएगा। तो देखिए आज जो इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अगर हमारा यहाँ नहीं कहना माना गया तो हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति से भी बात नहीं बनी तो हम प्रधानमंत्री के बंगले के बाहर धरना देंगे, इससे ये लगता है कि ये उलझन बहुत जल्दी सुलझने वाली नहीं है। राजस्थान कोरोना की वैक्सीन निकले तो मुझे लगता है कि राजस्थान की इस अदावत भरी सियासत का कोई सोल्यूशन दिखाई दे। दोनों ऐसे मोड़ पे आकर के रख गए हैं कि कोई समझ नहीं पा रहा, ना राजनीतिक के पंडित को सूझ पा रहे हैं और ना कोरोना के वैक्सीन के लिए कुछ इस तरह की चीजें सामने आ रही कि हाँ क्या होगा इसका। तो चलिए मैं हरिओम शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार। शर्मा साहब आप तो हाउस के मेंबर रहे हैं, लंबे समय तक पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो यहाँ कांग्रेस की भी ओर से अभी जैसे श्याम जी कह रहे हैं कि अगर हाउस आपको बुलाना है शॉर्ट नोटिस पे अगर आप बुलाना चाह रहे हैं तो आपको कोस तो देना पड़ेगा कि हाँ इस वजह से हम हाउस कॉल करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, विपक्ष लगातार ये कहने लग गया, मैं ये नहीं कह रहा कि लगातार कहता रहा, अब कहने लग गया कि सरकार से कौन मांग रहा है इस बात के लिए कि आपको फ्लोर टेस्ट के लिए आना चाहिए, तो फिर गहलोत साहब क्यों जल्दी कर रहे हैं? देखो जब से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी कायम हुए हैं
तब से ही इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना के आधार पर संविधान को तोड़ मरोड़ कर हर चुनी हुई सरकारों को भंग करना के काम आरंभ कर दिया है। आप कर्नाटक को देख लीजिए, आप गोवा को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, और वही प्रक्रिया आप मणिपुर को देख लीजिए, वही प्रक्रिया पूरे देश के नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वो पूरे देश में लोकतंत्र को समाप्त कर हर चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की ओर द्रुत गति से बढ़ रहे हैं। चाहे फेयर मींस हो, चाहे फाउल मींस हो, चाहे पैसा देके हो, चाहे आदमियों को तोड़ करके हो, चाहे करोड़ों रुपए विधायकों को बांट करके हो, चाहे इधर से उधर पैसा दे करके, लेकिन जो लोकतंत्र में जो फेडरल सिस्टम है इस देश का, उस फेडरल सिस्टम को तोड़ करके ये एक तंत्र कायम करना चाहते हैं, और आगे जाकर के ये किसी भी दूसरे राजनीतिक दल की सरकारों को नहीं रहने देंगे। और एन केन प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो वो स्थिर होगी, और जनता चाहे चुने या न चुने, लेकिन इन्होंने लक्ष्य बना लिया, जनता कुछ भी करो, जनता जाए भाड़ में, जनता दो वोट चाहे मत दो, सरकार हमारे पास है, प्रधानमंत्री हमारे आप पूरे देश के परिपेक्ष में देखकर बात कर रही है बीजेपी। अभी भी राजभवन से जब निकल करके आए हैं तो कि इनका अंतकलह बीजेपी को बेवजह बदनाम किया जा रहा है, ये बीजेपी का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये अंतर्कलह इनका इनका क्या है आज, वो अगर अंतर्कलह ही माने तो अलग अलग मिलना अंतर्कलह में आता है। ये सही है कि हमारे कुछ विधायकों को इन्होंने प्रलोभन दे करके और सत्ता हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक चक्रव्यूह में फंसा करके पार्टी के कुछ लोगों को भ्रमित कर पैसों के आधार पर, दबाव के आधार पर भ्रमित कर उस एक वर्ग में एक कुछ लोगों को तोड़ करके ये सरकार अपनी बनाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है, इसको लोकतंत्र कहेंगे आप? सरकार जिसको 8 करोड़ लोगों ने वोट दिया है और उसको आप लोकतंत्र कहेंगे? आप इस पर विचार नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री जी पर चर्चा नहीं करेंगे? आप जी पर चर्चा नहीं करेंगे? आप गवर्नर साहब, आप गवर्नर साहब पर चर्चा नहीं करेंगे? संविधान साहब कहता है, संविधान साहब कहता है कि कैबिनेट के प्रस्ताव को, सर आप लोगों पे आरोप पहले लगे, आज बीजेपी जो काउंटर करती है, मैं सहमत नहीं हूँ उससे। लोकतंत्र में जवाब उचित नहीं होते। कहा जा रहा है कि 93 टाइम्स आप लोगों ने चुनी सरकारों को डिस्टर्ब किया, वो बात जब भी करते हैं पंकज जोशी साहब हैं, इसका जवाब वो देंगे इस पे कि चुनी सरकारों को 93 बार किया गया था, तो इसका मतलब 100 बार किया जाएगा अभी। तो इसका आप... मतलब ये है अगर किसी ने 93 बार किया, चार चरित्र की बात करने वाले, अब इनका मतलब ये है कि आपने किया है इसलिए हम तो ऐसा ही करेंगे। ये क्या लोकतंत्र हुआ? ये क्या सिस्टम हुआ? ये क्या लोकतंत्र में ये बात चलेगी? अगर किसी सरकार ने कोई गलती की है, किसी सरकार ने गलती की है, तो इसका जवाब ये नहीं हुआ कि हम भी गलती करेंगे। जी आपके पास मैं वापस आ रहा हूँ, मैं पंकज जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी, यह एक सवाल उठता है, जो स्थितियां चल रही हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, आप लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी हुआ जिला मुख्यालयों पे, हरिमोहन जी को भी आपने सुना होगा, आपकी पार्टी की ओर से जब भी कोई बात आती है एक तर्क दिया जाता है कि कांग्रेस के वक्त ऐसा था, कांग्रेस ने ये किया। सर, विकल्प के रूप में आपको चुना, जब भी तो आपको बैठा है कांग्रेस, अगर आप भी करोगे तो फिर ये पार्टी भी डिफरेंस का जो आप लोगों को स्लोगन है ये कैसे कारगर होगा? अभी भी आपकी पार्टी की ओर से कहा गया, कहा जा रहा है बार बार कि 93 टाइम्स आप लोगों कांग्रेस ने सरकारों को बेदखल करने की कोशिश किया, तो ये जवाब किस मान के चलते हैं डेमोक्रेसी में? देखिए योगेंद्र जी, मैं कह रहा हूं, अभी श्याम जी ने भी कहा और बहुत सही बात कही कि देखिए मैं आपको दो चीज बताता हूं। इन्होंने कहा कि हमारे लोगों को प्रलोभन देकर के तोड़ा जा रहा है, ये किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि सरकार को तोड़ने का यदि ऐसी बात थी तो पीए संगमा साहब को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी थी क्या उस टाइम? ममता बनर्जी यहां से गई उस टाइम जो है कोई भारतीय जनता पार्टी थी क्या? शरद पवार यहां से गए उनके टाइम पे कोई थी क्या? इतनी सारी कांग्रेस बन गई, कांग्रेस आई, कांग्रेस एस, कांग्रेस वाई, कांग्रेस ये बन गई, कोई संदर्भ में बात करो, इस संदर्भ में बात करो, इस संदर्भ में बात माननीय में बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं थोड़ा सा सुनने एक बार। और मैं कह रहा हूं कि यही नहीं, मैं आपको आगे की बात बता देता हूं कि ये बात केवल और केवल सत्ता पे नहीं रहेगी, सत्ता के बाद जो राज खुलते हैं ना वहां भी बड़ी परेशानियां होती हैं कांग्रेस को, क्योंकि जब राज खुलते हैं तो आप देखिए कि जो लोग जो है लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, न्यायपालिका की दुहाई देते हैं,
और जो लोग जो है लोकसभा में बैठ करके यह कहा करते थे, आज इन्होंने कहा कि जो है लोकतंत्र की जो एजेंसियां हैं उनका जो संवैधानिक एजेंसियां उनका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन वही लोग जो है पार्लियामेंट में बैठ करके जो है सीएजी को यह कहा करते थे कि जीरो लॉस है, यानी कि वो कैलकुलेट करवाया करते थे सीएजी को कि आपने जो रिपोर्ट भेजी है जो सदन के पटल पे रिपोर्ट है उसका जो है इससे जो है लेन देन नहीं है, वो जो है वो इस वजह से था कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की, लेकिन आम जनता ये कहती है आप ये जो जवाब है ये जवाब उचित नहीं है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जवाब मुद्दे के आधार पर देना चाहिए। अगर एक पड़ोसी ने किसी का कांच फोड़ दिया, दूसरे ने पत्थर मार के फोड़ दिया, फिर दूसरे तीसरे पड़ोसी से आप न्याय मांगने जा रहे हो तो दोनों ऑलरेडी बराबर हो गए ना, तो क्या अंतर कर सकते हैं आप, दबा किसको सकते हो अगर वो ऐसे कर रहा है। नहीं 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 योगेंद्र जी हम नहीं कर रहे हैं, हम तो मैं आपको जवाब भी दे रहा हूं, मैं तो योगेंद्र जी कह रहा हूं कि 9 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक आपने जो है अपने ब्यूरोक्रेसी को, अपने पुलिस को, अपने एसओजी को, अपने इनको नोटिसेस वेटिस भेज करके आपने जो है अपने लोगों की मीटिंग बुलाना ये काम। पंकज जी वापस आ रहा हूं मैं अभी आपके पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर का स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की इस सियासी अदावत, उसके बाद सियासी संग्राम तक जो ये मैटर पहुंचा उसको लेकर के। पंकज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, देखिए लॉजिकली बात करनी चाहिए, आप लोग अगर ये तर्क देते हैं कि इनके वक्त भी ऐसा हुआ था तो आप भी वैसा ही करेंगे, कितना उचित मानते हैं? अगर चलिए देखिए आप अपना स्टेटमेंट है, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, डेमोक्रेसी है हमारे, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। मैं तो उचित और अनुचित दो चीजों की बात जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में इन्होंने जो किया उसी को गिना करके आप अपना बचाव करोगे? नहीं देखिए हम कहीं नहीं कर रहे, हम इसकी कहीं बात भी नहीं कर रहे, आप मैं भी कर रहा हूं आपको, लेकिन एक चीज बहुत साफ सी है, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि मैंने कहा ना कि 9 जुलाई से लेकर के इन्होंने कहा कि पीछे भारतीय जनता पार्टी है, मुझे बताइए कि साहब किसी भी चीज के अंदर इतना बड़ा राजनीतिक दल, इतना पुराना राजनीतिक दल, उसके बाद जो पीसीसी को चीफ, और जो मैं कह रहा हूं कि आपको इस पिक्चर के बाद बहुत सारी, जो भी अर्चना जी ने कहा ना कि बहुत सारी पिक्चरें इस पिक्चर के बाद आएंगी, जब पिक्चरें खुलेंगी तो बहुत पिक्चरें खुलती हैं, क्योंकि आप देखिए 2014 में सरकार है तो बहुत सारी खुली, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं भाई ये संकट पैदा कहां से हुआ, भाई ये संकट पैदा कहां से हुआ, हमारे यहां से? आप दोष यदि किसी पड़ोसी में देते रहेंगे कि मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया तो आप मुझे बताइए कब तक ठीक रहेगा ये, आप अपने बच्चे की दोष यदि लगातार पड़ोसी को देते रहेंगे तो कब तक देते रहेंगे आप? लेकिन सर आप स्वयं अपने बच्चे को रखेंगे संभाल करके ठीक करते पालन पोषण करेंगे जिम्मेदारी, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए इन्होंने कहा, एक मिनट में खत्म कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखिए ये बताइए कि संवैधानिक संस्था माननीय स्पीकर साहब के पास कौन गया? हम गए क्या उस दिन? आप जाते नहीं जाते, बहुमत होता नहीं होता, कुछ भी होता, उस टाइम हम थोड़ी गए, हमने तो कुछ नहीं कहा, क्या हो रहा था आपके अंदर, क्या नहीं हो रहा था, हमें तो नहीं पता था ना। 14 तारीख को आपने जो सब कुछ किया, उसके बाद आप जो है मुझे बताइए, चलो मान लीजिए, चलो हमारा पीछे से आप था इसमें, मैं कह रहा हूं इसको भी मान लीजिए आप, उसके बाद जो है सचिन पायलट जो है वो चले गए, गुट चले गया जो है हाईकोर्ट में, इस पे भी आप हमारा मान लीजिए, लेकिन आप मुझे बताइए उसके फैसले के अगेंस्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट कौन गया? स्पीकर साहब, उसमें भी हम गए, मतलब स्पीकर के पीछे भी हम खड़े, सचिन पायलट के पीछे भी हम खड़े, मुझे बताइए इस इनके अंतर कलह की चिंता आप लोगों को क्यों हो रही है इतनी? देखिए इनके अंतर कलह का फायदा जो है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, यदि कोई कमजोर टीम फुटबॉल में खेलती है तो जो अच्छी टीम खेलती है उसको फायदा मिलता है कि नहीं मिलता? और यहां पर ये बताइए कि हम इनको कहेंगे नहीं साहब आप छोटे को करते नहीं कुछ भी जो है, मैं भंडारी साहब, पंकज जी मैं भंडारी साहब के पास में जाना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं कानूनी पहलू पे जाना चाहूंगा इसका,
कानूनी दाव पेज पे लेकर के मैं एक आपसे जानकारी चाहूंगा। एक तो सेशन को बुलाने की बात है, विधानसभा का सत्र जो बुलाया जाना है वो, और हाईकोर्ट का जो रुख, अर्चना जी ने कहा कि काफी कुछ हद तक, लेकिन ये जैसे प्रॉब्लम उसका एंड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अगर आ भी जाता है एंड नहीं है, ये स्क्रिप्ट कई है इसमें। हाँ, लेकिन एक पार्ट पे जरूर जो भी कुछ चल रहा है वो पार्ट खत्म हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो आपके पास में बसता क्या है, करना ही पड़ेगा। तो अभी जिस मोड़ पे आ गए हैं, कानून क्या कहता है, किस दिशा में जाएंगे हम, क्या करना चाहिए, किस पोजिशन में आके खड़े हो गए हैं? देखिए योगेंद्र जी, मैं 15 दिन से देख रहा हूं क्या हाल प्रदेश का हो रहा है। जनता की ऐसा लगता है किसी को परवाह है नहीं, कोई सरकार बनाने में लगा हुआ है, कोई दूर से देख रहा है कि सरकार कब फेल और कब हम इस पावर में आ जाए। क्या हो रहा है, गवर्नर भी 15 दिन से देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। देखिए मतलब मैं तो, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। गवर्नर सर कुछ करेंगे तो कहेंगे कि राजभवन दखल कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं देखिए ऐसी बात नहीं है, कहने या कहने से कुछ नहीं होता है, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। आप प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हैं, 15 दिन से लगातार आप भी नाटक देख रहे हैं, उधर भाजपा देख रही है, ओम माथुर कह रहे हैं कि जहां घोड़े को घास मिलेगी, अच्छी हरियाली मिलेगी, वहां जाएंगे। क्या हो रहा है, मतलब मैं बता रहा हूँ, इतने सालों में पहली बार देखा हूँ कि संवैधानिक संस्थाओं की जिस तरह से गिरावट आ रही है, हर व्यक्ति अपने पद की गरिमा को लगातार गिरा रहा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे विपक्ष नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, और चाहे पार्टी के नेता हो, किसी को परवाह नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए 163A में गवर्नर को सदन बुलाना भी चाहिए, क्योंकि अगर चाहती है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स तो आपको बुला भी लेना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, गवर्नर को चाहिए था कि इन सारे पक्षों को बुला के बात क्यों नहीं करते, बताइए आप। वो हेड ऑफ द स्टेट है, विपक्ष को बुलाते, इनको बुलाते, सचिन पायलट को बुलाकर बैठते, भाई आप क्या हो रहे हैं, जनता का ध्यान रखिए ना, आप जनता की सेवा करने के लिए आए, तो जनता की सेवा करने के लिए आए, जिम्मेदारी है, कानूनी पहलू, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट नहीं बुलाया जाए उसके लिए मना नहीं किया। राज्यपाल ने साफ, जैसे अर्चना जी ने स्टार्टिंग में उसका जिक्र भी किया, राज्यपाल ने बाकायदा वो 6 बिंदु का एक लेटर जारी कर दिया कि जो पत्र मिला मुझे इस आधार पे मिला था, ये संवैधानिक कुछ गरिमाएं हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है, नियम कायदों से सारी चीजें चलती हैं, आप इनका जवाब दे दीजिए। सरकार अभी तक मंत्री कर पाई, अगर फिर क्या उसमें कैसे लगा सकते हैं? देखिए मैं बताऊं, कह रहे हैं कि साहब कोर्ट में मामले पेंडिंग है। देखिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामले जो पेंडिंग है वो अलग इशू पर है। वो इशू क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष को क्या पावर है या नहीं है, जुडिशियल व्यू होगा, वहां पर ये इशू है। वहां पर तो बहुमत वगैरह कोई इशू वहां पर नहीं है, वहां पर तो ये देखना उनको कि संवैधानिक जो अगर हाईकोर्ट जुडिशियल को एक्सीड कर रहा है या क्या कर रहा है, उस पर डिसीजन देना है। तो उसके फैसले से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्या होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन सरकार सड़क बैठी है, अगर वहां गए हैं, अगर इस प्रदेश के एमएलए धरने पर बैठते हैं तो सोचने का विषय है, देखना चाहिए आपको। और इस प्रकार से भंडारी साहब मैं वापस आऊंगा, लेकिन एक सवाल का और जवाब मैं चाहूंगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए 3 सदस्यों की एक सुप्रीम कोर्ट में पीठ बना दी गई है, वो सुनवाई भी कर रही है, ये सुनवाई आगे चल सकती है या फिर अभी ये कहें कि सोमवार को इसका भी डिसीजन आ सकता है, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी क्लियर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम सोमवार को डिसीजन कर देंगे इसका। सोमवार को डिसीजन तो हो ही सकता, तो सोमवार के लिए जो मामला टाला गया था वो इसलिए टाला गया था, इम्पोर्टेंट इश्यू है, इसको सुनने नहीं, वो तो था ही, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको सुनने में समय लगने की संभावना है, इसे मंडे को टाला गया है। लेकिन उसके अंदर मैं बताऊं, मेरी जो अपनी राय है, उस जो 3 जजेस की बेंच है उसको भी इस मामले को एक्चुअली में लार्जर बेंच में भेजना पड़ेगा, क्योंकि 5 जजेस का फैसला पहले इस पे आ चुका है। जब 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला आ चुका है तो ये मामला एक्चुअली में लार्जर बेंच में जाना चाहिए और वो इसको तय करेगी। और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, सीपी जोशी जिस पॉइंट को लेकर गए थे उनको तो ऐसे भी विड्रॉ करनी चाहिए,
तो वो कहे थे कि जब मेरे अधिकारों में, मतलब एक चीज और बताया कि बैन जो ऑलरेडी जिसे फॉर्म कर दिया गया है, क्या उसे आगे कर सकते हैं कि दो जजेस को और हम दे रहे हैं, पांच लोगों की हम इसको एक बेंच बनाना चाहते हैं, तीन की जगह पांच बना सकते हैं, जिसे संवैधानिक पीठ भी कह सकते हैं, क्या ये संभव है? देखिए पांच जज का तो पहले उसका पांच ज्यादा के लिए नहीं, ये इस बेंच का अधिकार नहीं है, ये बेंच चीफ जस्टिस रिक्वेस्ट कर सकती है कि चूंकि इसे पहले पांच जज का फैसला हो चुका है इसमें, कि होटो का जो जजमेंट है जो सब साइड कर रहे हैं, हमने भी साइड किया है, तो उन्होंने वैधानिक तय कर दिया था, तो अगर कई बार ऐसा होता है तो रिव्यू किया जाता है या उसको लार्जर बेंच में ही वो तय कर सकती है। तो ये बेंच अगर चाहे और अगर इनके एडवोकेट का रिक्वेस्ट करते हैं तो ये चीफ जस्टिस के बाद मामला जाएगा और चीफ जस्टिस सिर्फ लार्जर बेंच तय बना सकते हैं और लार्जर बेंच बन करके फिर मामला तय होता है। लेकिन ये मामला चलते हुए भी जो सत्र बुलाने वाली बात है उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए भंडारी साहब, वापस आ रहा हूं, वापस आऊंगा आपके पास में। चले लेकिन फैसला जो भी हो, इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं उससे एक बात तो तय है कि प्रदेश की सियासत एक ऐसे मोड पे आ गई है, अदालत भी अगर कहीं कुछ कहेगी तो इस मुल्क के लिए एक नजीर बनेगी। अगर कभी भी कोई मामला आता है तो राजस्थान का उसमें जिक्र जरूर किया जाएगा। हालांकि मैं सौभाग्य नहीं कहूंगा इसे कि राजस्थान को ऐसा सौभाग्य मिला कि बिल्कुल एक स्वर्णिम इतिहास रचा गया आपसी अदावत की वजह से। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां भी है कि कितने दिन तक कोई भी घटना होती है जिसका हम जिक्र करते हैं, छोटी घटना की वजह से भी परेशानी होती है, इतनी बड़ी घटना हो तो राजस्थान के विकास पे, राजस्थान के आम जन पर इसका असर जरूर पड़ता है। अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा, मैं एक सिंपल से बात जानना चाहता हूं इसमें, बहुत लंबी आप लोगों ने भी एक पहले दिन से आप लोग देख रहे हैं, जब चुनाव है सचिन पायलट अध्यक्ष बने तब से अब तक का सफर, क्या वास्तव में पार्टी लीडरशिप की इसमें कहीं कोई कमी रही है कि जो इस अदावत को या इनके टकराव को रोक नहीं पाए, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आम जन के माध्यम से जब उनको मालूम चल रहा था कि दो ध्रुव बन चुके हैं कांग्रेस में, तो समय रहते ये आलाकमान का फेलियर नहीं है कि समय रहते इसे दूर नहीं किया गया? ये तो ये जो प्रश्न चिन्ह है ये तो उसी दिन से आने आगे यानी प्रेजेंट हो रहा था सामने, जिस दिन इन लोगों का जब सरकार इलेक्ट होकर आई थी और जब सीएमशिप का एक इशू बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जब दोनों ही पार्टी बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रही थी, तब यानी सोनिया एंड राहुल से इन लोगों की बार बार जब मीटिंग हो रही थी, उसके बाद में यानी जब सीएम और डेप्यूटी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद फिर पोर्टफोलियोज के लिए जो जंग शुरू हुई है, फिर उसके बाद में पोर्टफोलियोज के बाद जो ऑफिस के लिए जब सचिवालय में पायलट जी जो जिस तरह का ऑफिस जा रहे थे, यानी बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए हैं जहां पे इन दोनों का फेस ऑफ काफी स्ट्रांगली आगे आया है। लेकिन हाँ ये हम बोल सकते हैं कि पार्टी ने राइट टाइम पर राइट स्टेप नहीं लिया जिसके कारण ये चीज इतनी आगे उभर कर आई है। और इनफैक्ट मेरा ये कहना है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब बीजेपी में शिफ्ट किए मार्च में, वो एक उस टाइम पर तो मुझे जहां तक याद है ट्विटर फेसबुक सब जगह एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि अब मिस्टर पायलट कब जाएंगे, है ना, विल पायलट फॉलो द, तो जब जनता ये चीज समझ रही थी तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि पार्टी लीडरशिप क्यों नहीं ये चीज समझ रही थी, कि उनको पता था कि ये अगर मध्य प्रदेश में ये चीज हो रही है तो ये राजस्थान में भी हो रही है। इन दोनों का हर टाइम पर इन लोगों के जो कमेंट्स आते थे, जो इन लोगों की स्टेटमेंट्स आती थी, एक दूसरे के अगेंस्ट आती थी, बट किसी ने भी यानी कोई एक एबल लीडर होता तो वो इस चीज को बहुत बार चेक कर सकता। जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया था 1952 में भी इसी तरह की चीजें हुई थी, जब जयनारायण व्यास और अपना ये सुखाड़िया जी का भी बिल्कुल इसी तरह से फेस ऑफ था। जयनारायण जी व्यास वाला युग गया, ऑल एमएलएस की मीटिंग हुई, इसके अंदर लीडरशिप को तय करना था, ये वहां पे ओपन ओपन और बाकायदा केंद्र से एक वो लीडरशिप को भेजा गया कि जिसकी बात सम्मानित, जवाहरलाल नेहरू आए थे वहां से, बिल्कुल है ना, तो ये अब वो चीज कहा जवाहरलाल नेहरू, कहा मोदी जी, कहा परिकल्पना सर कांग्रेस में किसी को आपके पास आऊंगा मैं जी। अर्चना जी जी तो वही है ना, अगर इस तरह से अच्छा अभी भी जो पहले जब ये पायलट एंड ग्रुप वहां पर गया दिल्ली, तो जो इनिशियल मैसेज जो आया था वो यही था कि ये सोनिया और राहुल गांधी से मिलने गए हैं। अब यानी एक सबसे बड़ा सस्पेंस ये रहा कि क्यों नहीं वो लोग आए और इनको टाइम दिया, क्यों कोई भी गांधी फैमिली का कोई लीडर इनसे मिलने नहीं आया, अगर वाकई वो लोग इंटरेस्टेड थे इस झगड़े को, यानी घर का झगड़ा घर के अंदर सिमट सकता था
अगर आपस में आकर ये लोग अपने रजामंदी से जो भी होता है इनका डिस्कशन होता और क्लोज डोर मीटिंग होती और वो चीज वहीं की वहीं सेटल हो गई होती। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि वहां के काफी पिक्चर्स भी आए कि जिस टाइम पर ये लोग वहां पे होटल में बैठे हुए थे किस तरह से कांग्रेस के ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ था, सोनिया जी राहुल गांधी जी के घर में एकदम सन्नाटा था, वहां पर कोई हलचल नहीं थी, मतलब वहां पे कोई एक्टिविटी इसलिए नहीं थी कि कोई मिलना नहीं चाह रहा था, कोई मीटिंग ऑफिशियली कन्वे नहीं करना चाह रहा था। और वो भी देखिए कांग्रेस जिसके लिए एक एक राज्य महत्वपूर्ण, राजस्थान जैसा महत्वपूर्ण राज्य, मध्य प्रदेश आपसे निकलने के बाद तो मुझे लगता है कि पार्टी आलाकमान गजब तरीके से थे कि किसी को ना राहुल गांधी को फिक्र रही, ना सोनिया गांधी को, ना प्रियंका गांधी को। ये मैं तीन नाम इस वजह से ले रहा हूं कि कभी भी कांग्रेस में कहीं भी कोई बात होती है, कोई रेजुलेशन हो, अगर किसी से एमएलए की राय भी हो तो एक लाइन का प्रस्ताव पास होता है कि आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया गया। मैं तो अक्सर देखता हूं कई बार इस बात को लेकर के विधायकों में ऑब्जेक्शन भी होता है कि साहब आलाकमान से डिसीजन करवाना था तो सबको बुलाया क्यों, फिर तो आप ही लिख करके भेज देते कि आलाकमान जो निर्णय करेंगे वो मंजूर होगा। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक गजब का इस एपिसोड में एक नजरिया रहा है कि पार्टी की किसी को फिक्र नहीं रही कि वहां यंग लीडर सारे एक तरफ आ गए हैं, प्रिया दत्त ने भी ऑलरेडी ट्वीट किया है और जितेंद्र जी ने ट्वीट किया है, बिल्कुल इग्नोर हो रही है, इतनी फिक्र नहीं है जब पार्टी टूटने के कगार पे है, बिखर रही है और एक कितनी बड़ी लीडरशिप जिसके हाथ से अगर स्टेट जाता दिखाई दे रहा है तो मुझे लगता है कि तो इस पे क्या कह सकते हैं, हरिमोहन जी बता सकते हैं। तो हरिमोहन जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं, पार्टी लीडरशिप जी सबसे पहले भंडारी साहब ने पार्टी के नेताओं के विरोध हो रहा है इसको दूर कर सके, इशू को डाइवर्ट नहीं करें। भंडारी साहब ने अभी कहा है कि हर सूरत में राज्यपाल को राजस्थान की कैबिनेट के द्वारा डाइवर्ट नहीं करें। ये जो सारी व्यवस्था है ये संवैधानिक प्रावधानों के तहत कैबिनेट के प्रस्ताव को मिटे, विधानसभा आहूत करने के प्रस्ताव को माननीय राज्यपाल महोदय को मानना चाहिए और वो नहीं मान करके पूरी जो अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं इसके पीछे अमित शाह जी और मोदी जी का एक बैकग्राउंड है जो व्यवस्थित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को करना चाहते हैं। ये बताया कि राज्यपाल ने 6 बिंदु बता दिए, उसको उस प्रॉब्लम का तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना, जो संवैधानिक पेचीदगियां हैं, जो बिंदु बताए उन सबका जवाब राजस्थान सरकार दे रही है, बिंदु बताए उनका दे रही है। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ये नहीं हुआ है कि जो कैबिनेट ने प्रस्ताव लिया हो विधानसभा आहूत करने का और राज्यपाल ने उसको मंजूरी न दी हो, ये अराजकता की स्थिति क्यों बन रही है? अराजकता की स्थिति बन रही है केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के कारण, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना शासन स्थापित करना चाहती है और वो कुर्सी पर बैठने के लिए हर जुगाड़ में लगी हुई है, चाहे पैसे से बैठो, चाहे सत्ता से बैठो, चाहे सीबीआई की जांच से बैठो, चाहे ईडी की जांच से बैठो, ये परेशान करके ये परिस्थिति राजस्थान की ये परिस्थिति पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो काम कर रहा है। आपके पास में जवाब में है, खुद मुख्यमंत्री 3 बार के मुख्यमंत्री बन गए, उनको खुद को अपना एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है, दूसरे स्टेट्स के प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉर्ट आउट किए, उनके पास में बहुत संवैधानिक ज्ञान, फिर ये क्यों किया जा रहा है? राज्यपाल से राज्यपाल से जो लेटर मिला उसको 24 घंटे हो गए हैं, मेरी बात सुनो, जवाब नहीं दे पा रहे। अगर एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री नहीं होता ना और इस प्रकार की स्थिति होती तो कांग्रेस की सरकार कभी की चली गई होती। ये तो मुख्यमंत्री एक्सपीरियंस है तो राज्यसभा के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए षड्यंत्र का पता लगा लिया, नहीं तो षड्यंत्र तो वहां से ही चालू था। तो जहां तक अशोक जी गहलोत का सवाल है, ये वहीं का विवेक है, उन्हीं को सबको साथ लेने की कला है कि आज भी राजस्थान की सरकार विपरीत परिस्थितियों में, चाहे ईडी के छापे हो, चाहे 45 उनके परिवार वालों पे छापे करके 12 करोड़ बरामद करो, चाहे उनके मित्रों पे करो, इसके बावजूद भी यह सरकार स्थिर है और इसीलिए केंद्र का नेतृत्व चिंतित है कि हमने जो दाव किया खेला था कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके उसमें कामयाब नहीं हो रहे, इसलिए संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके संविधान के प्रोविजन की हत्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या फैसला करेगा?
ये अलग है और विधानसभा का सत्र बुलाना अलग है, जैसा भंडारी साहब ने कहा। तो आप विधानसभा का सत्र बुलाइए, पहले तो कहते थे फ्लोर पर आप बहुमत साबित कीजिए, पायलट साहब भी कहते थे नहीं विधानसभा में आइए, बीजेपी भी कहती थी, अब जब बहुमत नहीं बना तो बैकआउट कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी का केंद्र सरकार का उपयोग करके संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का दुरुपयोग करके ये इस प्रकार की राजस्थान की सरकार को अस्थिर करके अपने स्वार्थ के कारण राजस्थान का वातावरण बिगाड़ रहे। चलिए पंकज जी से, पंकज जी मैं जवाब दिलवाता हूं आपको, पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये तो आखिर पहले कह चुके हैं कि जब सामने कुछ दिखाई देगा तो कौन छोड़ना चाहेगा उसको, तो लपकने की कोशिश आप पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात यहां जानना चाहता हूं, जल्दबाजी की थोड़ी बात, क्योंकि ये बात आप बेशक कितना भी कहें कि नहीं सचिन पायलट से हमारा कोई मतलब नहीं है, सचिन पायलट जाने, ये लोग जाने और हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मानेसर को लेकर के, क्योंकि अभी ये होता ये है कि जैसे कहीं पे भी किसी राज्य में अगर आपकी सरकार है, विधायकों को वहीं ठहराया जाएगा, तो मानेसर की जो पोजीशन चली है, मानेसर में अगर आप ठहरवा रहे हैं वहां, एक तो खर्चा कौन उठा रहा है इसका सारा खर्चा, आप लोग जब सवाल उठा रहे हैं तो ये पूछा जाना चाहिए कि उस ग्रुप का खर्चा कौन वहन कर रहा है। वहां पे इतना बड़ा 5-स्टार होटल है, वो रिजोर्ट है, वहां गोल्फ क्लब है, सारी चीजें, तो ये सिर्फ बस एक दूसरे को आईना दिखाना है कि यहाँ वास्तव में ये बात भी स्वीकार की जाएगी कि हाँ बिल्कुल वो हमारे विधायक, अब तो कहेगी बीजेपी के हमारे विधायक हैं। देखिए हमने पहले भी नहीं कहा, अभी भी नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ हमारे विधायक नहीं है, हमने पहले भी नहीं कहा, अभी भी नहीं कहा, कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोग कह चुके हैं हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, सचिन जी ने खुद ने कह दिया हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि इनके खर्चे कौन उठा रहे हैं, कौन नहीं उठा रहा है, खर्चे उठाने का जो है किसी का भी हिसाब, यदि व्यक्तिगत हिसाब है, व्यक्तिगत स्टेपिंग में कौन खर्चा कहां करता है, कितना कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये उसको जो है अपने आयकर विवरणी में दाखिल करने का वक्त है, और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दाखिल करेंगे, और नहीं करते हैं तो कार्रवाई जो है, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, उस पर जो है कार्रवाई होगी, पहली बात। अभी खुद हरिमोहन जी ने कहा कि किसी के यहाँ 12 करोड़ मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 35 लाख लोगों को 1,000 रुपए दिए 350 करोड़ रुपए, वो तो जो है बड़े गिना चला, अगर एक व्यक्ति के पास 12 करोड़ मिल गए तो आपने कहा कि साहब इनके छापे क्यों, अरे 45 छापों में 12 करोड़ 50 लाख भी नहीं आए इनके पास। देखिए मैं कई चीजें नहीं आना चाह रहा, 12 करोड़ मिले 45 जगह की रेट पे, और फिर भी छापे आ रही है। आपके और मेरे बीच का अंतर बहुत है उम्र का, आप मेरे पिताजी से भी के बराबर के हैं, मैं बहुत आपसे निवेदन करता हूं कि जो इस संस्कृति में कई संस्कृतियां ऐसी होती हैं जब जिनके अंदर जो है लगातार शासन के बाद लगातार लोग गए और उनको जो है ये मना करते आए, उसके बाद जो है कोर्टों के आदेशों से जो है कई आपके ऊपर हुए। अब इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी, यदि बाकी कोई होता तो शायद कुछ नहीं होता, अशोक गहलोत जी थे इसलिए बच गई। अब इन्होंने खुद ने अपने मुंह से कहा, तो मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसे लोग हैं, ऐसे लीडर हैं, तो सेंटर में ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए। देखिए जब आप यदि जो आपने कहा, और आपने कहा नकारा लोग थे, भाई नकारा लोगों को हमने तो नहीं कहा नकारा चाहिए थे, भाई ऐसे नकारा लोगों को आपको पीसीसी चीफ नहीं बनाना चाहिए था। तो ऐसे जो लीडर हैं यदि ये टाइम पे ध्यान नहीं रखेंगे, और अब दूसरी चीज उन्होंने कहा कि भंडारी साहब ने ठीक कहा, अब आप जो है अभिषेक मनु सिंघवी साहब को एडवोकेट लेके आए, मैं कह रहा हूँ बीसी भंडारी साहब को रखना चाहिए था। तो मैं कह रहा हूँ ये चीज खुद जो कह रहे हैं और जो है इन लोगों की राय लेकर के और करना चाहिए था, तो लीगल राय बताइए आपको बंद करें। और एक उदाहरण थोड़ा सा देके बता दूं कि जब सुंदरकांड के अंदर ये जो है लिखा हुआ है कि जब हनुमान जी जो है लंका गए, और लंका से जब जो है वो फल खाने के बाद पकड़े गए, तो जब पूरी जो है रावण की जो कौवर थी पूरी, जिसे आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कह सकते हैं, उसमें जब की पूछ को जो समय निर्णय लिया, तो वही निर्णय भी आप नहीं समझते भाई, हमारा और आपका क्या दोष होगा भाई। एक चीज और बता दीजिए, चर्चाएं ये भी है कि बीजेपी भी अंतर्कलह कांग्रेस में नहीं है, अंतर्कलह बीजेपी में भी है, लेकिन अभी क्या कांग्रेस में सत्ता की लालसा चल रही है, जैसे स्थिति आएंगी बीजेपी को भी वही सबको सामना करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है अभी ये आरोप कांग्रेस का, और दबी जुबान में कई लोग ये बात कहते हैं कि अभी देखिए आगे होता है क्या, बीजेपी में भी हालात ऐसे ही होने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है अभी। देखिए मैं कह रहा हूँ आपको, फिर मैं कह रहा हूँ आपको, मतभेद होने के बाद उनके विश्वासों पर लड़की रहता है, हमारे यहाँ एक भी आदमी जो है बंद नहीं है,
हम कह रहे हैं मतभेद हो सकते हैं राजनीति में, एक आदमी के दूसरे आदमी लेकिन आपने स्वयं ने सुना कि जब लोगों ने कहा कि जब मैं वसुंधरा जी के लिए जब कहा तो उन्होंने खुद ने कहा कि मैं पार्टी लाइन के साथ हूं, क्योंकि हमने मैं आपको फिर कह रहा हूं एक बार। और दूसरी चीज, जब ये बार बार ये कह रहे थे तो मैंने यही कहा कि माननीय जब वसुंधरा जी जब हमारी मुख्यमंत्री थी और जब 2013 में आई तब उन्होंने कहा 2008 से लेकर के जो मातृ आयोग बनाया था और जो आपने एकल पट्टे के अंदर जो घपले किए थे उनको उन्होंने ही खोला और उसी के कारण एक ब्यूरोक्रेट को जो है जेल तक, दो ब्यूरोक्रेट को जेल तक जाना पड़ा। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं कभी हमने जो है हमने खुद ने कहा वसुंधरा जी ने वही काम किया जो मुख्यमंत्री करना चाहिए था। श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं जी, अभी आप सारी चीजें सुनी है, पिक्चर सारी आपने देखी हुई है, मैं एक बात यहां जानना चाहता हूं कि बीजेपी अपनी ओर से पूरा दाव खेल रही है और खेले भी क्यों ना, लेकिन ये पूरी जो बातें देखने को मिल रही है पिछले 6-7 दिन से सचिन पायलट की भी बात बदल गई है। उन्होंने खुलकर के कहा कि मेरा पार्टी में, मैंने कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं, ना मैं कांग्रेस में छोड़ रहा हूं, छोड़ी है, मेरी लड़ाई नेतृत्व से अशोक गहलोत से है, उनके 3 विधायकों ने भी कहा कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, हमारी लड़ाई अशोक गहलोत से। तो ये तो बात तय है कि सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, लेकिन ये एक नया तो नहीं है सचिन पायलट का ये सब कुछ कहना? देखिए योगेंद्र जी, सचिन पायलट ने कुछ नहीं कहा आपका, बहुत लिमिटेड शब्दों में एक बार जरूर कहा कि अशोक गहलोत ने जो कुछ मेरे प्रति कहा मैं जानता था कहेंगे, लेकिन जिस तरह का सचिन पायलट की तरफ से कोई बयान नहीं आया, उनको पता है कि उनके बयान पे ही सारा खेल होने वाला है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, अरुण मिश्रा जी ने जो कहा, अब उससे स्पष्ट लगा लीजिएगा कि आने वाले समय में विश्लेषण लंबा है, सात जजों की संविधान पीठ बैठेगी, वही फैसला करेगी अब। लेकिन आप देखिएगा यहाँ एक नहीं, मैं सचिन पायलट के बयान के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हूं, मेरी जो लड़ाई है वो नेतृत्व से है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रदेश ने जो संघर्ष किया था उनका काम नहीं हो रहा है। योगेंद्र जी नहीं, उनकी तरफ से बयान नहीं आया, उनके लोगों के माध्यम से बयान। देखिए किसका बयान आया, रमेश मीणा का बयान आया, उसका भी आया, शेखावत का आया। देखिए नहीं आया उनकी तरफ से बयान, मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि उनका बयान है। देखिए आप किसी भी चैनल पे नहीं आ पाए, केवल उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में हूँ, बस इस तरह, क्योंकि वो है कांग्रेस में, कांग्रेस मान रही है। श्याम जी कांग्रेस मान रही है, कांग्रेस में है। अरे श्याम जी वो कांग्रेस में है और नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं तो विधायक दल की मीटिंग में आकर के फैसला करें ना, कौन मना कर रहा है? कौन करेगा फैसला? आगे मान करेगी, आप सुनिए, जरा सुन लीजिए आप। देखिए श्याम जी, मैं तो 30 सेकंड में अपनी बात कहिए कि ये अचानक जो बदलाव दिखाई दे रहा है, या चाहे उनके सदस्यों का जो भी, तो एक क्या सिंपैथी गेन करने की बात माने, कैसे माने इसे, डिप्लोमेटिक बयान माने इसे, कैसे माने, बहुत शॉर्ट में बताइए, क्योंकि मुझे भंडारी साहब के पास आना है। देखिए जब मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बाउंसर लगा रखे हैं, बंधक बना रखा है, तो कहा सुरेश मोदी ने क्या कहा, आप सुन लीजिए कि उन्होंने जो कहा, वेद सोलंकी ने क्या कहा और उसके बाद मुरारी मीणा ने क्या कहा, हम स्वतंत्र हैं, हम आराम से रह रहे हैं, हम दिल्ली में। वजह यह है कि मुख्यमंत्री जी आप गलत बोल रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो, ये कह रहे हैं लोग। इसका मतलब है कि हाईकमान हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, हाईकमान कमजोर है कांग्रेस का, यही तो कारण है कि आज विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। अब आपके अगर बीएसपी का मामला हाईकोर्ट में आ गया और क्या होगा, कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। चलिए भंडारी साहब आपके पास आना चाहूंगा, आखिरी सवाल आपसे है मेरा। सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है, अगर ये फैसला आएगा तो उसके बाद में कुछ इस तरह की स्थितियां मान के चल सकते हैं, एक एपिसोड का तो दी एंड होगा, या राज्यपाल वाले मामले भी अदालत का रास्ता अपना सकते हैं कोई, कि हमें हाउस बुलाने के लिए हम चाह रहे हैं गवर्नर बीएसपी वाले सुनवाई की तो अदालत है उनके लिए। भंडारी साहब देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो इस राजनीतिक जो चल रही है उठा पटक, इस पर फैसले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों वहां तो विधानसभा अध्यक्ष की पावर के बारे में हो रही है कि जो शेड्यूल 10(2)(1)A है उस पर डिस्कशन हो रहा है कि क्या उनको पावर, क्या हाईकोर्ट उनके ऑर्डर को स्टे कर सकता है, ये इस पर जो चल रहा है सुप्रीम है। और मेरे को लग रहा है ये तो लार्जर बेंच में जाना ही जाना है, ये इस पर मंडे को तो कुछ तय होना नहीं है। तो उसके अलावा एक बात और है, अब जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, जो भी शो कॉज नोटिस को स्टे किया है, इसको भी ये चैलेंज करेंगे वहां पर, इसकी अलग से एक एसएलपी फाइल होगी,
इस पर विचार किया जाएगा, क्या इस तरह का ब्लैंकेट ऑर्डर हाईकोर्ट दे सकता है क्या? ये ब्लैंकेट ऑर्डर है, यानी मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, हाई कोर्ट में भी कोई अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने कहा संविधान की संस्थाओं में गिरावट आ रही है, जिस प्रकार से इस मामले की सुनवाई हुई है, जिस प्रकार से तय किया जा रहा है 3 दिन का समय लेकर के, तो जो हाई सुप्रीम कोर्ट चल रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक बार 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 कह रहा हूँ, आपके गवर्नर ने जो आप 6 पॉइंट पूछे जो आप कह रहे थे उस बात का, देखिए वो फर्स्ट मैन ऑफ द स्टेट है, अगर उनको लग रहा था कुछ पॉइंट है चिट्ठी पत्र से नहीं, गहलोत साहब वगैरह सारे बाहर थे ही थे, उनको बुला के बात करते भाई ये इन पॉइंट से मुझे जवाब दे दो, ये कोई जे थोड़ी जयपुर से इंडिया से बाहर समय समय बिल्कुल के तय करना चाहिए। पहले वाला सत्र किया था कोरोना के मामले को लेके किया था, आप कोरोना संविधान में चले गए, अरे पूरा देश चल रहा है कौन सा कोरोना की मुझे बताइए ना, पहले की थी विधानसभा राज्यपाल को आग्रह किया था विधानसभा अध्यक्ष से, मध्य प्रदेश का नहीं हुआ, मणिपुर का नहीं हुआ क्या? मध्य प्रदेश और मणिपुर का नहीं हुआ, मणिपुर का तो आज ही नहीं था, आज ही परंपराएं गलत हो रही है, परंपराएं टूट रही है, ये परंपरा गलत। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।